नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज़। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं हो गया हूँ नहा धो के तैयार। वैसे तो मैं रोज ही हो जाता हूँ, लेकिन क्या है कि आज कुछ स्पेशल है क्योंकि आपको सवेरे में पता लगेगा। तो सुबह की शुरुआत करते हैं पेड़ों को थोड़ा सा पानी देने के लिए। मेरे अंडर में सिर्फ 2 पेड़ हैं, तो मैं सिर्फ 2 ही पेड़ों को पानी देता हूँ, बाकी सब भाई के अंडर में है। तो ये वाला जो पेड़ है वो मेरे संरक्षण में रखा गया था, लेकिन क्या है कि मैंने इससे पानी थोड़ा कम दिया तो थोड़ा सूख गया ये। लेकिन आजकल मैं लगातार इसको एक हफ्ते से पानी दे रहा हूँ तो जिंदा हो चुका है। तो ये आजकल एक नया शौक चढ़ा हुआ है। शौक नहीं होता, सिर्फ फिटनेस कहते हैं। तो जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो भाई मैं तो साइकिल चलाना ये करना, यहाँ क्या है वीडियो देख के एक्सरसाइज हो रही है। मैं साइकिल तो मैं चला नहीं सकती हूँ क्योंकि बेटा है मेरा, मतलब बच्चा है, उसको छोड़ के मैं जा नहीं सकती। तो आप मेरे से ये सब कंपेरिजन मत करो, ठीक है? आप तो अभी देखो तैयार होकर फिर निकल रहे हो। साले को क्या है स्कूटी सिखानी है, साला हो गया नहीं क्या हो गया। 2-3 महीने सिखा सकते हो, है उसको 15 दिन सिखाने में। अब तो खुद ही सीखना हुआ, अपने हाथ से करना हुआ। कह रहे हैं ये देखा, यही तो था। वहाँ के सिखाने वाले से भी लड़ाई कर रही है ये, तो मैं क्यों नहीं सिखाया। खाते लैपटॉप की और एक्सरसाइज की कसम। एक हफ्ता सिखाया बड़ी मुश्किल से, पता नहीं क्यों जोश चढ़ा था इनको कि सिखाता हूँ। तो हमारे साले साहब आ चुके हैं, पानी का असर हो गया। और ये सुबह मेरा साला, अभी मैं उससे कहूँगा कि कोई काम है होगा तो कहेगा हाँ जी जी थोड़ी लेट में आएगा। वैसे मैं सुबह 7:30 पहुँच गया। अभी कैमरे के पीछे कह रहा था वो, इनको नहीं पता है। तो साले साहब हमारे पहुंच चुके हैं। और सुबह सुबह तुम्हारी दीदी लड़ रही है यार मेरे से। किस बात के? वो मेरे से कह रही है कि औरों को तो तुमने सिखाया 3-3 महीने। मैंने उससे बोला कि अब वो सीख गया है, अब उसको ज़्यादा परफेक्शन नहीं है, अब वो स्कूटी खरीदेगा तो तब चलाएगा। तो तुम्हारी दी गई नहीं, उसको भी सिखाओ जल्दी जल्दी। टाइम लग जाता है शेड्यूल में आने। अगर तुम्हारा स्कूटी चलाना बंद हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम नहीं, तुम्हारी दीदी होगी, ठीक है? सारी से पता। हाँ, खाली दिमाग सुबह सुबह खराब करेगी तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो सारे साहब को स्कूटी मैंने आधी सिखा दी है। आज मेरे को थोड़ी हिम्मत आई कि हाँ वो चलाने लायक हो गया है और मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो इसलिए आज कर रहा हूँ। वरना मैंने कहा क्या पता वीडियो के चक्कर में हम दोनों ही अस्पताल ना पहुँच जाएँ। अस्पताल नहीं पहुँचना है, रिस्क नहीं लेना है। हाँ, जब से पवन दा को मैंने गाड़ी सिखाई है, अरे बाप रे क्या बवंडर पैदा हो गया है। कस्टमर आते हैं शॉप में तो वो भी बोलते हैं कि भैया आप गाड़ी सिखा दोगे। ऊपर से क्या है कि साले साहब को सिखा रहा हूँ तो अब रिश्तेदार ये भी बोलेंगे एक काम कर स्कूटी भी सिखा दे, मारो कि ये। तो हे भगवान मेरे को बचा के रखना। मेरी शादी हो गई है, इसकी तो नहीं हुई है, इसको तो कोई टेंशन नहीं है। मेरी बीवी बच्चे घर में, थोड़ा आराम से चलाना। हाँ माठू उमा है। मैं एक अच्छा सिखाने वाला, एक अच्छा टीचर हूँ मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे सिखाए हुए सारे शिष्य, 2 शिष्य और 1 शिष्या वो बढ़िया चला रहे हैं। तीसरे शिष्य हमने पैदा कर दिए हैं। जीवित है इसलिए सिखा रहे हैं। अच्छा ऐसा करना ही पड़ता है ना यार, थाला हुआ वो करना पड़ता है। ग्रस्त जीवन है भाई, यही होना होता है। आप लोगों को भी कितनी परेशानी होती होगी ना, हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हमें जोशी स्टोरीज़ के व्यूअर से रिव्यू मिला था कि यार आप जो कैमरा हो ना वो बहुत जल्दी घुमाते हो, उससे चक्कर आ जाते हैं। जल्दी कैमरा के घुमाता हो मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, मतलब आपको एक के बाद एक फ्रेम दिखे। ऐसा है कि थोड़ा हल्के हल्के घुमाना है कैमरा, तो हम थोड़े लंबे फ्रेम भी रखेंगे। तो आप स्किप मत करिएगा। फिर देख सकते हैं कि अगर मैं सही सलामत इतनी बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे साले साहब जो है वो निपुण हो चुके हैं अपने चलाने की क्षमता में। अगर आपको कहीं भी मिले तो उनसे दूर रहिएगा, अभी इतने भी अच्छे नहीं हुए, कहीं भी ठोक सकता है ये। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ध्यान गाड़ी पे है। तो जो नया ड्राइवर होता है ना, उसके साथ क्या होता है कि उसका ध्यान पूरा मतलब हमेशा रोड में होता है। मतलब वही कि ये सिंपल है तो एटलीस्ट रोड का जो फियर है। ये तो समझदार हुए यार अपनी दीदी से। भाई दीदी ऐसी भी नहीं है वो, मतलब अपने जितना संभाल सको उसके अकॉर्डिंग। भाई ये जो मेरा साला है वो देखो कितना समझदार है। अगर इतनी समझदार मेरे को बीवी मिल जाती तो कितना अच्छा होता, बात हो जाता। हाँ अरे बढ़िया हो जाता, कहते रहो। वो सोचिए कि मेरे भाई को ऐसे सिखा रहे होंगे, बिल्कुल मार फतोड़ के, क्योंकि क्या पता कि कहते साला कितना मजे कर रहा है। काठगोदाम क्रॉस कर लिया है कि अपना मार्जिन थोड़ा सा लेना है और अपनी तरफ को चलना है, तो कुछ भी नहीं होगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कार सिखाने के बाद अब स्कूटी भी सिखा दी, तो मेरे को लग रहा है कि ना मेरे को 2-4 कोर्स निकाल लेने चाहिए, जैसे 30 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में उसका कंसेप्ट समझे, गाड़ी समझे। बिना स्कूटी के, बिना कार के गाड़ी चलाना सीखे, ये भी बना सकता हूँ ना कोर्स में। गुरु का मान रखा। हाँ गुरु का मान रखा। वो कह रहा है कि अरे जिया जी हुए तो मेरे गुरु जी भी हुए, तो क्या खाओगे? उसको लेमन टी नहीं, वो तो मेरे को स्टारबक्स में भी कॉफ़ी पिला सकता है, लेकिन ठीक है यहाँ इसी से काम चला लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, फिर आना चाहेंगे। देखो ये प्रूफ है कि मैंने पेमेंट नहीं करी है। तो रात में सरप्राइज देते हैं, किसी से मिलवाते हैं। लोगों पायलट जैसे लग रहे थे। जैसे मैंने पवन दा को ना ट्रेनिंग दे के उसके बाद पास किया था कि भाई अब तुम चलाने के लायक हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये सौभाग्य हम पवन दा को दे। नहीं मुझे नहीं चाहिए सौभाग्य। देखो तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारी तो शादी भी हो गई है और भगवान की कृपा से एक बच्चा भी हो गया है। मैं नहीं चाहता मैं पीछे बैठूँ, मेरा आगे पीछे सब खराब हो जाए। मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा है, ठीक ही चला रहे होंगे। कब दिन में सीखी एंजल गाइड? कितने दिन में सीखी? दो महीने लग गए। भैया तुमने घोड़ा गाड़ी बोला, हाँ। तो पहले साइकिल दी, हाँ। पहले घोड़ा गाड़ी सीखी, फिर साइकिल सीखी, उसके बाद इस घोड़ा भाग गया। मतलब फाउंडेशन मजबूत कर रखी है। फाउंडेशन बहुत मजबूत। तो एक टेस्ट ड्राइव ले फिर इनके साथ, तो तभी तो तुम्हें लाया हो, तुम बैठोगे। तो दगड़ियों अब हम जा रहे हैं गुरुजी के साले साहब के साथ टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। गुरुजी ने मेरी ट्रेनिंग तो पूरी हो चुकी है, आपको पता ही है। मेरे को तो मतलब फॉर्मूला 1 रेसर वाला ड्राइवर हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं है। साले साहब ने कितनी गाड़ी सीखी है मैं देखता हूँ। तो आप सभी लोग प्रार्थना करिए कि पवन दा का पिछवाड़ा सलामत रहे। बल्कि ट्रेनिंग दी हुई है, स्कूटी में सेल्फ है, लेकिन उसके बाद भी किक से स्टार्ट करवाना सिखा रहे हैं। रीजन इसकी कहीं पे गाड़ी बंद होगी, सेल्फ ने काम करना बंद कर दिया, खासकर ठंडे के दिनों में, तो क्या करेंगे? नीचे पैर करके भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों राइड शुरू हो चुकी है यहाँ पे, यह आप देख सकते हैं। हिमांशु भाई के साथ मैं स्कूटी राइड पे हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब ब्रेकर में थोड़ा सा हल्का सा स्पीड कम करनी है। वाह बढ़िया चला रहे हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब गुरुजी से जो ट्रेनिंग लेगा वो एरोप्लेन चला देगा, स्कूटी तो कुछ नहीं हुई उसके सामने। तो मेरे साले साहब की तेज से चला रहे हैं कि मैं भी उनका बिल्कुल राइडर है साले साहब। हाँ और पवन दा के पैर देखो, पवन दा ने अपनी सेफ्टी पूरी रखी हुई है। तो यार मैं तो बच गया भाई। तो आ गया मेरा घर। मेरे तो शिष्य भाई हो गए, हाँ। है ना, स्कूटी में अच्छे से हाथ साफ हो चुका है और बहुत जल्दी ये कार भी चलाने लग जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। कर्ण भीष्म पितामह से कहते हैं आप मेरे गुरु भाई हो। हाँ बस ये ना हो कि भाई एंड टाइम वो कर्ण की विद्या गायब हो गई थी ना, खास करो कालू साई मंदिर के वहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ ना, देखो अभी तक तो क्या और था, कार सिखाई है हमें, मतलब कार सिखा दो। आप कहीं ऐसा ना हो कि यार तुमने अपने साले को स्कूटी सिखाई, स्कूटी सिखा दो। हमारे गुरुजी तो दोस्तों ऐसे ही रह गए, ठीक है, मतलब शहर का शिगुण हो, भी शाओ का शिगुण हो, एक आओ जैसा मैं लग गया। गुरुजी का गुआ गुस्सा कोई नहीं है दगड़ियों, ये हमेशा ऐसे ही रह जाते हैं। तो अभी हम क्या है कि अब गुरुजी सारा कार्यभार मेरे को दे रहे हैं। अगर अब आपको गाड़ी वाड़ी सीखनी है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी का उसको सिर्फ 10% जाएगा, 90% इनका जाएगा, गाड़ी भी दी लगेगी। बाय बाय। बॉल कहाँ है? बॉल 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 लाओ जल्दी, लाओ बॉल। मेरे से कह रहा लेके आ अंदर, बॉल ले जा, लिया बेटा। तो अपने साले साहब को स्कूटी सिखाने के आने के बाद हम यहाँ भगीरथ के साथ हैं और उसकी बहन ये भी नहीं बोल रही कि भाई मेरे भाई ने कैसे सीखी, क्या करी ना। क्या बोलो बोलो। अगर इस स्टेज में बच्चे होते हैं तो उनसे कीमती और ऐसी चीज़ें जिनके टूटने में आपको बहुत सारा जो है चपत लग जाएगी, वो दूर रखें। बिस्तर के नीचे भी इतना साफ हो रहा है। इनको लग गई है। मैं वही कह रही थी कि कैसे बैलेंस बिगड़ता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो के चक्कर में बच्चे को नहीं देख रही है, वो चल सही से रहा होता है, एकदम से बैलेंस बिगड़ता है इसका, क्या है। और मुंह देखिए इनका, जैसे चोर ढेड़ुआ होता है ना। बंद कर वीडियो, बंद कर। ए ओई तो क्या हाणूल में तो वीडियो नहीं बंद कर ली थे। भगीरथ ने जो है एक नया मुकाम हासिल किया है, वॉकर में ड्रिफ्टिंग कर रहा है। तो अभी बज रहे हैं दिन के लगभग 12:15 और भगीरथ जो है खाने का पूरा आनंद लेते हुए, ये वैसे नहीं खा रहा था ये। और अब देखिए इसको, खीरा जो होता है अपने मुंह में डाल रखा है और ये इतना सारा खाना तो इसके अंदर है। उसका वो फेस चल रहा है जहाँ पे वो दूसरों के हाथ से नहीं खाना चाहता है, खुद एक्सप्लोर करना चाहता है खाने को। सुबह तो खा रहा था, चाट रहा था, देखा आपने। बड़े उससे मैंने इसमें वापस दिया है इसको, लेकिन वो नहीं खा रहा है, अब अलग चल गया है, देखिएगा। हाँ आ करो, आ करो, आ करो, मुंह। 9:30 बज रहे लगभग। एडिटर साहब जो है अपनी स्पेशल अपीयरेंस देने से शर्मा रहे हैं फिलहाल। तो जैसे भव्य अपने पापा को देखते हैं तो कहता है बॉ, मतलब बॉल खेल मेरे साथ। और चले गए क्या? इससे कितनी देर से बोल रहा हूँ कि ब्लॉग को एंड कर देते हैं और मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बॉल खेलोगे? बस ये बस गंदा जाएगा वो।